आज के इस वीडियो में बात करूंगा इस साइलेंट वॉइस एनिमे मूवी के बारे में जो 2016 के अंदर आई थी। इसका ओरिजिनल नेम है कोई नो कताची। देखो मैंने कोशिश की है इसका ओरिजिनल नेम बोलने की, अब मजाक मत उड़ाना। इसे डायरेक्ट किया नाओको यामादा ने। मैंने अब तक जितनी भी एनिमे मूवी या एनिमे सीरीज देखी है तो मैं यही कहूंगा कि मैंने ज्यादातर एनिमे मूवी या सीरीज 90% मैंने ओरिजिनल लैंग्वेज में देखी, यानी जैपनीज लैंग्वेज में देखी है विद सबटाइटल। इंग्लिश में सबटाइटल आते हैं। हाँ, ये चीजें हैं कि ये इंग्लिश में अवेलेबल है, लेकिन मैं इंग्लिश में ना देखकर इनको ओरिजिनल लैंग्वेज में देखना पसंद करता हूं, क्योंकि उससे ज्यादा कनेक्ट हो जाता हूं मैं। और एक बात जो मैं शेयर यहां पे करना चाहता हूं कि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि जितनी भी मैंने एनिमे मूवी या एनिमे सीरीज देखी है वो ज्यादातर एनिमे मूवी या सीरीज सब्सक्राइबर्स ने ही मुझे सजेस्ट की हुई होती है। इतनी ज्यादा खूबसूरत, इतनी ज्यादा अच्छी एनिमे सीरीज उन्होंने ही मुझे सजेस्ट की हुई होती है, और यह देखकर अच्छा लगता है कि वो अपने सजेशन मेरे साथ शेयर करते हैं। ए साइलेंट वॉइस इस मूवी की कहानी बेस है दो टीनेजर्स के ऊपर। एक लड़का है जिसका नाम है सोया इशिदा, जो बचपन में बहुत ज्यादा शरारती है, बहुत ज्यादा बिगड़ेल है, और एक लड़की जिसका नाम है शोको निशिमिया, जो बोल नहीं सकती और उसे सुनाई नहीं देता। सुनाई नहीं देने का मतलब नाम मात्र के बराबर ही उसे सुनाई देता है। शोयो शोको से तब मिला था जब वो 6th grade में था। शोको का जब एडमिशन हुआ था तब उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था, तो शोको ने एक नोटबुक में लिखकर ये बताया था कि वो बोल नहीं सकती, और तब से वो उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट करता है। शोको निशिमिया की बात करें तो इतनी प्यारी और इतनी इनोसेंट लड़की दिखाई गई है कि आप उसको एक बार में देखोगे तो उससे कनेक्ट हो जाओगे। शोको बार बार परेशान किए जाने पर भी शोयो से दोस्ती करना चाहती है, और हर बात पे भले ही उसकी गलती ना भी हो तब भी वो सॉरी फील करती है, और सॉरी कहती भी है, मतलब लिखकर वो सॉरी कहती है। वो इसलिए क्योंकि वो हर चीज के लिए अपनी आप को जिम्मेदार मानती है। वो सोचती है कि इन लोगों को अगर कोई तकलीफ हो रही है, वो मेरे साथ अगर अच्छे से फ्रेंड नहीं बन पा रहे हैं, तो शायद मेरी ही गलती है। शोको अपने आप को ये बार बार ये विश्वास दिलाती रहती है कि उसी की गलती है, ये सब उसकी वजह से उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, इसलिए वो बार बार उनसे सॉरी भी बोलती है और उनसे वो दोस्ती भी करना चाहती है। लेकिन शोयो इशिदा को ये बात समझ नहीं आती वो, और उसको वो परेशान करना चालू रखता है, जिस कारण क्या होता है कि शोको जो है वो एक दिन स्कूल छोड़कर चली जाती है। शोको के स्कूल छोड़ते ही शोया को सब लोग नापसंद करने लग जाते हैं, क्योंकि उसी को वो सब लोग जिम्मेदार मानते हैं कि इसी की वजह से शोको जो है वो स्कूल छोड़ के चली गई है, और उसके दोस्त उससे अलग हो जाते हैं शोया से। अब शोया जो है अपने आप को भी दुनिया से इतना कट कर लेता है, वो किसी को अपना दोस्त नहीं बनाता। इवन 5 साल बीत जाने के बाद भी वो अकेला रह रहा है, उसका कोई इवन एक सिंगल दोस्त भी नहीं बन पाता, और उसे ये विश्वास हो चुका होता है कि उसी की वजह से ये जो चीजें हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से हुई, और वो इतना गिल्ट में चला गया, इतना डिप्रेशन हो गया कि वो अपनी जान लेने के लिए भी कोशिश करता है, लेकिन अपनी जान वो ले नहीं पाता। और वो ये फिर ये सोचता है कि क्यों ना जो चीजें गलती की गई थी पास्ट में उन चीजों को सुधारा जाए, इसलिए वो शोको से मिलता है। अब दिक्कत यह है कि वो शोको से तो मिल तो लेता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि बात क्या करनी है, क्योंकि आज तक उसने कभी ऐसी कोई किसी को फ्रेंड बनाना या किसी से दोस्ती करना उसके अंदर ऐसा कोई व्यवहार रहा ही नहीं है। शोयो का एक ऐसा करैक्टर जो पिछले 5 साल से किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाया, और जब वो दोस्त बनाना जानता ही नहीं तो कैसे किस ढंग से शोको से वो बात करे। अब जो ये मूवी है इसके अंदर दिखाया गया कि इसका करैक्टर धीरे 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 कैसे इंप्रूव होता है, और ऐसा ही नहीं कि चुटकी बजाते ही चीजें सब चीजें चेंज हो जाएंगी। धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन होना, दोस्ती का महत्व समझना, ये सब चीजें जो है इस मूवी के माध्यम से बहुत खूबसूरती के तरीके से आपके सामने रखी गई हैं। इस मूवी में एक सीन आता है जिसमें सोया इशिदा जो हॉस्पिटल में एडमिट है, और उसके हॉस्पिटल के बाहर जो है वो शोको खड़ी है, और शोको जो है वो सोया की माँ से जब मिलती है तो उसके पैरों में गिर कर वो बार बार आई एम सॉरी बार बार बोले जा रही है। और सच में यार ये वाला जो सीन देखा था ना तो आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि ये देखा ही नहीं जा रहा था। इस मूवी का हर एक सीन काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये वाला जो सीन है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। ये मूवी इतनी बेहतरीन है कि इस मूवी के हर एक अच्छे सीन की बात करने बैठ गया तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ज्यादा आप लोगों को बताऊं जिससे आप लोगों का इंटरेस्ट खराब हो, आप लोगों को स्पॉइलर मिले। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये जाके मूवी खुद फील करें, आपको एहसास होगा कि दोस्ती क्या होती है, एक अंदर चेंज जो इसके अंदर कैरेक्टर के अंदर चेंज आया उसको देखकर आपको जो खुशी महसूस होगी। मैं वो सब चीजें बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता कोई भी स्पॉयलर देखे। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 10 out of 10 stars। अगेन मैं कहूंगा कि एनिमे जो मूवी होती है या एनिमे जो सीरीज होती है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल के जो उसके अंदर इमोशन, बहुत अच्छी स्टोरी, जो रियल एक्शन मूवी के अंदर पॉसिबल भी नहीं हो पाते वो इस चीज के अंदर पॉसिबल होते हैं। यानी एक तरीके से जो क्रिएटिविटी है इसको एक नया एंगल मिलता है, उसके अंदर और ज्यादा फ्रीडम आ जाती है बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करने की। तो मैं यही कहूंगा कि प्लीज़ यार जाके इस मूवी को जरूर देखें। अगर जिन्होंने देख लिया तो कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी। खैर काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने ये मूवी देख रखी है, उन्होंने मुझे सजेस्ट की थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।